नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ किसान कल्याण मिशन योजना के लॉन्चिंग कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। सूदखोरों से बिचौलियों से मुक्त करने के लिए उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, यानी किसान के कल्याण के लिए वास्तविक कार्य योजना अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद जिस गति के साथ ये कार्यक्रम चले हैं, अगर पिछले 6 वर्षों के दौरान हुई प्रगति उन 70 वर्षों में भी हुई होती तो संभवतः इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को यह लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नहीं मजबूर होना पड़ता कि 2022 तक हम किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। और आज उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। याद करिए 2004 से 2014 के अंदर इस देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की थी और 14 के बाद जब किसान देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई, आज उसका परिणाम है देश के अंदर किसान दोगुना करने के लिए नई नई तकनीक को अपनाते हुए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस अवसर पर अन्नदाता किसान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आज का ये कार्यक्रम किसान के हित के लिए के जा रहे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक हिस्सा है।